वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ैना खान। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक हो गए। ये धूप जो है गुम हो चुकी है, पता नहीं कहाँ है, बादलों में कहीं सूरज गुम हो गया। और अभी बाहर आ गए हैं, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और मैं भी आके यहीं पे बैठी हूँ। मैंने कहा देखूँ थोड़ी सी हवा खाऊँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इसको मैं सोच रही हूँ धो देती हूँ ना, अच्छे से क्लीन चमका देते हैं हम इसको आज। आइए गाइस, बाल्टी लगा दी है मैंने यहाँ पे टब और बाल्टी भरने के लिए। ये भर जाएगी, नहीं आप नहीं जाओ, आपकी शूज़ खराब होंगे। तो ये इसको मैं धो दूंगी, अच्छे से क्लीन कर दूंगी। कचरा सारा मैं आपको फेंक रही हूँ, कचरा सारा मैं बाहर फेंकूंगी। जैसे गाइस अभी हम बाहर निकले और सर में इतना शदीद दर्द है कि क्या बताऊं जी। कितने दो तीन चार चार निकालो बड़े चार तू तो? तू ना खाए थे कैसा बताए थे आसान है बदाम सर इस तो जो भी चॉइस थे। तो अभी हम मजीद भाई का बर्गर खा रहे, सैंडविच खा रहे हैं जो कि सबका फेवरेट होगा, जिसने भी खाया है तो मेरा तो बहुत फेवरेट है। उसके बाद जो है हम फ्लैट विजिट करने जाएंगे क्योंकि हम अपना ये घर छोड़ रहे हैं। सर में दर्द हो रहा है यार, बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पे, बहुत गर्मी है यार। ट्रेन समझ नहीं रही है, मुंडी अंदर कर लीजिए तू। गाइस देखो ट्रेन समझ नहीं रही है, समझ औरन बड़ी हो गई। गाइस अभी जो है हम गाड़ी में बैठे हैं तो ये सीट सिमिल की है, औरन को भी अभी हमने समझाया है। औरन समझ गई है ना आप? औरन ने कहा आप नहीं दी सीट ये सिमिल को, सिमिल को नहीं देंगी आप? सिमिल तो आपको बेबी है ना, नहीं बैठ जी। सिमिल यहाँ पे बैठ के बहुत खुश हो जाती है मम्मा बाबा के बीच में। जी जी सिमिल बता रही है कि वो वहाँ पे खड़ी है, ये देखिए वो कह रही है मेरी वीडियो नहीं बना। सिमिल बता रही है कि वो वहाँ पे खड़ी है। गाइस आपकी बहन से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ तो इसीलिए मैं अब यहीं पे खा रही हूँ, फिर बच्चों को जाके खिलाऊंगी। इसको ड्रॉप कर दिया है गाइस अभी, और वो प्याज व्याज डाल के खा रहा है बंदा मेरा। कितने खाए? एक। क्यों? एक खाया। वेट करते करते मेरे मुंह से सिर्फ निकला नहीं, मेरे मियाँ ने बोला जूस पियूं, हेलो बोला जूस तई। लोग किसी का वेट कर रहे हैं हम यहाँ पे, अभी जा रहे हैं हम जूस पी के फिर वापस आते हैं। कमांड का जूस, शुगर केन का जूस, मानू जेना यू कमांड छा हों दुआ तो बता दूं। गन्ने का जूस, गन्ने का रस पीने जा रहे हैं हम, बहुत मजे का होता है। मैं बगैर मसाले वाला पीती हूँ, ये मसाले वाला मुझे मसाले वाला नहीं पसंद यार, तो उसमें अपना एक टेस्ट है, तो आप उसको चेंज करने के लिए मसाला क्यों डलवा रहे हो? मतलब कुदरती जो टेस्ट होता है उससे तो कोई बीट नहीं कर सकता ना, तो फिर क्यों मसाले शसाले डलवा रहे हो भाई? ये आ गया जी हमारा गन्ने का जूस, और अभी मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू थैली में दो गिलास में, तो मैं नहीं पीऊँगी, वो सिर्फ गिलास को संभालता है यार, तो गिलास को धोते नहीं है ना, तो इसीलिए मेरा मियाँ गिलास में उसने लेके दिया, मैं बुक नहीं क्या हो रहा था। तो अभी जो है मैंने उसे थैली में लिया, मैंने कहा मसाला भी नहीं डालना, इसलिए मैं कहती हूँ, तो कहता है हाँ बस थैली में, क्यों भाई उस दिन गिलास में क्यों खिलाया था, मैं देख नहीं रहे, वो ऐसे ही डाल देता है गिलास। आ गया जी हमारा गन्ने का रस, ये आ गया, थैंक यू भाई साहब, ये लो आपका, थैंक यू भाई। मैंने उसको बोला जल्दी दो क्योंकि हम किसी का वेट कर रहे हैं, हमें जाना है, तो इसीलिए वो जल्दी आ गया। ये मजे मजे सैंडविच खाया गरम गरम, ये पिया ठंडा ठंडा, मजे चस्का। ये देखे जब तक मैं पीऊंगी इसका गुम हो जाएगा। चल रेस लगाते जो जल्दी पिए, ठीक है दोनों का एक जितना है, प्लीज पी प्लीज, एक बार रेस रेस, 1 2 3 गो। नजर आयो वो तो एडो थुको को मास घर ही नहीं। गाइस देखिए मैंने इसको बोला, एक बंदा था बूढ़ा और अपनी फैमिली के साथ आया, उसने बोला खाना नहीं खाया, मैंने इसको कहा, मैंने कहा तुम दो, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें दूंगी ना पेमेंट,
गैस को पैसे दे दो, इतने थोड़े से पैसे दिए, मैंने कहा इसको थोड़े और पैसे दो, शायद इसने खाना नहीं खाया है। तो मेरे पास अभी थे पैसे, तो मैंने कहा मैं इसको दे दूँगी, तो इतना भूखा है कितना है नहीं, मुझे रहम आ रहा है यार, मुझे उनको पैसे देने थे यार, उनको खाना खिलाना था अभी। एक बार ये कह रहा है वो धोखा कर रहा है, मुझे नहीं लगता वो धोखा करेगा यार, उसके पास बच्चे थे, बीवी थी, धोखा नहीं कर रहा था जानो। खाना खाए? हाँ खिलाओ, चलो 1000 रुपया खाया, चलो फिर खिलाओ। अभी जो जिससे मिलना है पहले उससे खुद लेते हैं। भूखे हो तुम बहुत गाइस, खाना मैं खिला रही हूँ उसको, फिर भी ये नाटक देखो इसके एक्टर। जिस काम से आए खुद सैंडविच और जूस पी रहे हो ना, अल्लाह दे रहा है पी रहे हो, फिर हमारे पास नहीं हो, फिर सोचो तो अल्लाह दे रहा है तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, याद नहीं है वो वक्त। एक चीज दिखाना चाहती हूँ आपको मैं, ये देखिए आवाज सुनिएगा, ये जो है ना इसका ऑन इब्राहिम हो गया है, बस ये इब्राहिम आवाज निकाल रहा है। हाय गाइस, इतनी खुआरी हुई आज, इतनी खुआरी हुई, थक गई हूँ, बच्चों को भी छोड़ के आई हूँ मम्मा के घर में, काम से निकले। ये इसके बगल, ये भी इसकी बगलों जैसा है गाइस, धप्पो हो गई ये गाड़ी में, गैस की कहती हूँ, इसको स्मेल है, नहीं मान रहा है, सिलेंडर की नहीं मान रहा, बंदे ने कोई गैस जानो ना, सोच उसने सोच समझ के गैस बंद करवाया होगा ना यार, गैस बंद नहीं करा, गैस खत्म हो गया था गाड़ी से, मतलब खत्म हो गया, खाली हो गया सिलेंडर, अच्छा एलपीजी पे था, फिर मैंने सीएनजी करवा दिया, गुड फीलिंग। एलपीजी वो नहीं है ना, सिलेंडर वाली वो वाली गैस, तो सीएनजी क्यों करवाई, वो तो अच्छा था। नहीं ये अच्छा है, क्यों, ये सेफ है, वो सेफ नहीं है, तभी कह रहे हो ऐसी जगह घर लो जहाँ एलपीजी चला, जैसे फटे तो मैं मर जाऊँ, गाड़ी में सेफ नहीं है, सिगरेट विगरेट पीते हैं, घर में भी तो पीते हो, फिर घर में अल्लाह माफ करे तो जानो, पर बदबू है इसको चेक करो, गाड़ी चलाई है कल से, मैं इतने ज्यादा मेरा चार खाने का पता है, गैस कितना गए 2500 का डलवाया, तो चल रहा है हराम का पैसा ना इब्राहिम, छोटो सा गाइस, इतना खौर हुए इतना आज के दिन गाइस, मुझे मतलब अभी बहुत चीजों का एहसास हो रहा है, बहुत 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 ज्यादा चीजों का एहसास हो रहा है, जो कि शायद मुझे पूरी जिंदगी में नहीं हुआ है, और ये अल्लाह की तरफ से मेरे लिए तोहफा है, और मैं अल्लाह का शुक्र गुजार हूँ, अल्लाह की शुक्र गुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे मतलब इतना शुक्र तो दिया है माशाल्लाह, मगर मुझे हर चीज़ों का एहसास दिलाया है, मुझे लगता है कि मेरी जो आगे जो मैं अल्लाह की तरफ जाऊँगी ना, तो वो वाली मेरी जो मंजिल होगी ना, वो बहुत आसान होगी, कि मुझे ये 4 साल जो मेरी ज़िंदगी के गुजरे हैं, इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ आगे जाके इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाऊंगी, पर अपनी ख्वारियाँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो है फिर से हम गन्ने का जूस पी रहे हैं, सर फट रहा है, थैंक्स यानो, बहुत बुरी ख्वारियाँ आती हैं भाई, कैसे बताएं हम आपको क्या क्या है, ख्वारियाँ कैसे होती हैं, क्या नहीं होता बताऊँगी ऐसे ऐसे, मतलब अपनी मैंने समझे आप लोगों को अपनी फैमिली बनाया है, मैं हर चीज़ पोस्ट करती हूँ, मेरी डेली व्लॉगिंग का काम है, तो मैं जाहिर है हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स भी आते हैं मुझे, और बुरे भी आते हैं, बुरों को मैं इग्नोर करती हूँ, बस कुछ नहीं, तो बस गाइज आपकी बहन ने मंगाई है कलेजी 50 की बहुत ज़्यादा नहीं दे दिए उसने, हैं गाइज, एक तो आपकी बहन गरीब, दूसरा निकलती है ना तो उसे 50-50 का माल खाती है, घर जाती है तो खाली, अपनी तस्वीरें खींचने में लगा हुआ है यार, कलेजी भी स्टाइल से खानी है, इसे खाए ना दबा के बंदा, या इसे बस स्टाइल का प्यार जगाए ना गाइस, दूसरा दिन है और अभी भी हम ख्वार हो रहे हैं, मोटो हमारे साथ है आज, और ये व्लॉग बना, बोलो वेलकम करो गाइस को अभी, तो हेलो गाइस, हम जो हैं कल से ख्वार हो रहे हैं, घर ढूंढ रहे हैं, नया घर ढूंढ रहे हैं, दुआ करो हमें कोई हमारे बजट के हिसाब से कोई जो है हमें फ्लैट या पोर्शन कुछ भी मिल जाए, बस अभी बहुत ख्वार हो गए हैं कल से, अभी तक ख्वार हो रहे हैं, 2-3 घर विजिट कर चुके हैं, अभी भूख लगी थी तो हमने चाट मंगाई है, ये चना चाट है, हे गाइस आ गया मेरा चाट, होन दो होन दो, भाई भाई ओके बताओ ना तुम आज का व्लॉग तुम्हारा, बताओ
क्या कर रहे हो ना सारा बताओ लो गाइस को। अभी हम ये चाट खा रहे हैं, मैंने फ्रूट चाट मंगवाई है, इसने ये चना चाट मंगवाई है। अभी जाएंगे दूसरी जगह कुछ देखेंगे। ये क्या कहाँ से मंगवाई है सारा, कहाँ? ब्रांड कौन उसकी में? मेरान चाट हाउस अली पैलेस। आप चाहते क्या है अपनी जिंदगी में? पैसा। मकसद क्या है आपकी जिंदगी का? पैसा। चलो मैं बताऊं, मैं करोड़पति बन जाऊं। चलो बस अब गाइस हम फिर से खुआरी पे निकल पड़े हैं और मेरा साहब मेरे साथ है और मैं हूँ, और प्लीज़ हमारे लिए बहुत सारी दुआएं करें। कहते हैं कि कभी कभी जब आपकी दुआ कबूल नहीं होती है तो आप दूसरों से दुआ करवाया करो, तो आपकी जो है शायद अल्लाह उनकी सुने और आपके हक में बेहतर फैसले करें। तो प्लीज़ हम दोनों के लिए, हमारे बच्चों के लिए प्लीज़ दुआ करें कि जो हमारी खुआरी है उसका फल हमें मिल जाए और हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाए। हमारे लिए बहुत सारी दुआएं करें और मुझे आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ दुआओं की ज़रूरत है। आप लोगों की दुआएं साथ होंगी तो इंशाल्लाह हम फिर आगे जाएंगे और हमें सपोर्ट करें। अभी जो है हम दोबारा खुआरी पे निकले हैं, अभी जो है हम जा रहे हैं, अभी देखते हैं होके तो आए एक जगह से, पर बहरहाल देखते हैं क्या सीन बनता है। मुझे वो फ्लैट पसंद आया, ठीक है, लेकिन ये जो है रोतू बीवी इसको पसंद नहीं आया क्योंकि वो बहुत महंगा था गाइस, वो बहुत महंगा था। हम इतना मतलब सेफ एंड सिक्योर माहौल था, फैमिली माहौल था, मुझे खुद वैसा चाहिए क्योंकि छोटे बच्चे हैं यार, आप लोगों को पता है मुझे खुद ऐसा चाहिए। पर ये है कि वो महंगा था यार, मतलब मैं इसको कह रही हूँ कि किस तरह से होगा मुझे समझ में नहीं आया। ये कहता है नहीं नहीं ये सही है, इतना महंगा क्यों ले बंदा? महंगा था ना जानो। दो चीजें मिल सकती हैं, दोनों में से एक चीज मिल सकती है, या सस्ता और अच्छा, या सस्ता और अच्छा। सस्ता और अच्छा, सस्ता होगा अच्छा होगा लेकिन माहौल नहीं होगा। या देखो ना, साफ सुथरा था, नया फ्लैट था, बहुत मजे का फ्लैट था, बस गेस्ट नहीं था। नीचे का ऊपर नीचे सब कैसा मस्त बना होता माहौल, वहाँ पे सिर्फ बैचलर्स थे शायद अभी तक, फैमिलीज भी थी, औरतें जो निकली थी तो एक ही निकली थी जानू, खाली था पूरा फ्लैट, खाली था। तो वहाँ पे मैं रह भी नहीं सकती, मुझे बहुत लोग चाहिए होते हैं आसपास। से पूछा उसने, कहा कि ये जो ना अभी दो तीन महीने में पोजीशन मिलना शुरू हुई है। अच्छा हाँ, कहा ये पाँच छह महीने में देखोगे इधर तुम्हें जगह नहीं मिलेगी रहने की, इतने अच्छे फ्लैट है। अच्छी तुम्हें फिर क्या करें, ले लें क्या वहाँ पे? कहा यहाँ पे तुम्हें पाँच छह महीने में जगह नहीं मिलेगी, कहा अगर तुम्हें मिल रहा है ना ले लो बिस्मिल्लाह करके, बिस्मिल्लाह करके ले लो, बाद में तुम्हें फिर नहीं मिलेगा। इतना अच्छा बना हुआ है ना, नया है, अच्छा तो हुआ कहीं, नो डाउट बना हुआ था। कहीं पांच छह महीने में चिका, जैसे ही मिलते जाएंगे लोगों को, या तो लोग खुश शिफ्ट होंगे या किराए पे चलाते जाएंगे। फिर क्या कहते हो? प्लीज आगे ना जाना, भी है ना गाड़ियों, ये भाई ने ये बंदा है, ये पागल नहीं है, ये एक्टिंग कर रहा है, कसम से मैं सबको दिखा रही हूँ, ये आके सुबह को मेरी बेटी को करके गया। वो ऐसा डर गया।